Hey, what's up guys, Asif here, once again, welcome back to our channel. आज के वीडियो में टॉप ऐप सीरीज दोबारा लेके आया हूँ। पांच कमाल का एप्लीकेशन शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना। पांचों कमाल का है, सभी एप्लीकेशन का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वीडियो एंड तक देखना, उसके बाद ही एप्लीकेशन ढूंढना, तभी आपको समझ में आएगा कि एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो मैक्सिमम शेयर करना और लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला एप्लीकेशन है यूनिवर्सल कॉपी। इस ऐप को इस्तेमाल करके जिन जिन एप्लीकेशनों में आप टेक्स्ट नहीं कॉपी कर सकते, उस एप्लीकेशन के अंदर से टेक्स्ट कॉपी कर पाएंगे। नॉर्मली यूट्यूब ऐप के अंदर से भी आप टेक्स्ट कॉपी नहीं कर पाते हैं, तो यूट्यूब से भी डिस्क्रिप्शन से वगैरह टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन करके यूनिवर्सल कॉपी को यहाँ पे इनेबल कर देना है। ओपन सेटिंग्स में जाके यूनिवर्सल कॉपी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे परमिशन इनेबल कर देना है। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन के अंदर से आप टेक्स्ट कॉपी करना चाहते हैं, उस एप्लीकेशन को ओपन कर देना है और नोटिफिकेशन बार को नीचे लाना है। नोटिफिकेशन बार को नीचे लाने के बाद आपको यहाँ पे यूनिवर्सल कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर टैप करके एक्टिवेट करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करके टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, आप कहीं पे भी पेस्ट करके यूज़ कर पाएंगे। अगला एप्लीकेशन है रमिनी। इस ऐप को यूज़ करके पुराना कम क्लैरिटी वाला फ़ोटोज़ का क्लैरिटी बढ़ा सकते हैं, डबल क्लैरिटी के साथ वापस ला सकते हैं। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ ही फीचर्स आपको फ्री में मिलता है, एनहांस, पोर्ट्रेट, पेंट वगैरह। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना है फ़ोटो का क्लैरिटी बढ़ाने के लिए। एनहांस क्लिक करने के बाद जो भी फ़ोटो का क्लैरिटी बढ़ाना चाहते हैं सेलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पे बचपन का एक फ़ोटो सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद ओके बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएटिंग टास्क लिखा आ रहा है, लोडिंग हो रहा है, तो बीच में एक गंदा सा ऐड भी आ जाता है, तो ऐसा ऐड आता है तो थोड़ा 30 सेकंड तक आपको वेट करना होगा, 30 सेकंड के बाद इसको कैंसिल कर देना है। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे वेट कर सकते हैं, या फिर हिस्ट्री में बाद में चेक करने के बाद भी आपको नया फ़ोटो देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे फ़ोटो रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफ़ोर और आफ्टर, यहाँ पे बिफ़ोर है तो उस तरफ स्लाइड करना है तो आफ्टर का नया फ़ोटो आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा फ़र्क आपको अभी यहाँ पे पता नहीं चला होगा, लेकिन मैं यहाँ पे नीचे से फेस वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर देता हूँ। जितना भी इसके अंदर व्यक्ति है सभी का फ़ोटो यहाँ पे फेस में आता है, तो अब ये बिफ़ोर है, इसको स्लाइड करके देखते हैं, देखो कितना फ़र्क आया है यहाँ पे। इस तरह आप क्लैरिटी बढ़ा सकते कोई भी फ़ोटोज़ का। मैं यहाँ पे दूसरा एक फ़ोटो सेलेक्ट कर देता हूँ जिसमें मेरा दोस्त लोग भी है, तो यहाँ पे इस फ़ोटो का आप देख सकते हैं कितना फ़र्क आया। इसमें से इस फ़ोटो के अंदर से हर एक बंदे को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, तो तभी आपको पता चलेगा। लास्ट वाला जो दोस्त है इसको अभी जो है बिफ़ोर है, इसको स्लाइड कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फ़ोटो का कितना क्लैरिटी बढ़ चुका है। फ़ोटो का स्टोरेज साइज़ भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन अच्छा क्लैरिटी वाला फ़ोटो मिल जाता है। इस तरह कोई भी फ़ोटो उसका क्लैरिटी आप बढ़ा सकते हैं, कमाल का फ़ोटो बना सकते हैं। अगला एप्लीकेशन है मेड इन इंडिया। इस ऐप से किसी भी प्रोडक्ट को स्कैन करके उसका मेड पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दो ऑप्शन दिखेगा, बारकोड स्कैन और क्यूआर कोड स्कैन के लिए। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ बारकोड स्कैन। ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट स्कैन करने वाला हूँ, कैनन 50mm का लेंस जो मैं थोड़े दिन पहले परचेस किया था। तो ये कहाँ का मेड है देखते हैं। यहाँ पर बारकोड स्कैन करना है आपको, तो बारकोड स्कैन कर देता हूँ। तो यहाँ ये जापान का प्रोडक्ट है, तो इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट स्कैन कर सकते हैं। मैं दूसरा एक प्रोडक्ट स्कैन कर देता हूँ, हुआवे नोवा 3 का फ़ोन है, तो इसका भी बारकोड स्कैन कर लेता हूँ। तो इसका भी पता चल गया, ये पक्का चाइना का फ़ोन है हुआवे। इस तरह कोई भी प्रोडक्ट का मेड पता कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सेज चीज़। इस ऐप को यूज़ करके एक स्मार्टफोन से रिमोटली यूज़ करके दूसरा स्मार्टफोन का कैमरा से फ़ोटोज़ वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन करके ऊपर अलो ऑल वाला ऑप्शन में क्लिक करके सभी परमिशन को अलो कर देना है। उसके बाद इस तरह स्कैन करेगा, दूसरा एक स्मार्टफोन पे भी सेम सेटिंग आपको करना है। परमिशन अलो करने के बाद कनेक्ट कर देना है। उसके बाद दोनों स्मार्टफोन में कैमरा ओपन हो जाएगा। एक स्मार्टफोन को रिमोट बना के दूसरा स्मार्टफोन का कैमरा से
आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस ऑप्शन में क्लिक करके रिमोट और कैमरा को आपस में चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक स्मार्टफोन का कैमरा का पिक्चर्स जो है दूसरा स्मार्टफोन से क्लिक करके बता देता हूँ। यहाँ पे इस तरह कैप्चर कर सकते हैं, दोनों स्मार्टफोन में फ़ोटोज़ हो या वीडियोज़ हो सेव कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियोज़ में स्विच करने के लिए ऑप्शन भी नीचे दिया हुआ है। पांचवा एप्लीकेशन है वॉल रैप, एक बढ़िया वॉलपेपर एप्लीकेशन। इसके अंदर कमाल का 4K वॉलपेपर्स मिल जाता है। उसके अलावा आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ऊपर आपको पैरलेक्स का ऑप्शन मिल जाता है, उसके अंदर पैरलेक्स 3D वॉलपेपर्स भी मिल जाता है। यहाँ पे डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी 3D वॉलपेपर्स यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा डबल वॉलपेपर का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है, अगर आप चाहें तो डबल वॉलपेपर भी यूज़ कर सकते हैं। कमाल का वॉलपेपर एप्लीकेशन है, आपको ज़रूर पसंद आएगा, यूज़ ज़रूर कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप डोल जो है जासूसी कर रहा है मेरे फ़ोन के अंदर। तो इन पांच एप्लीकेशन में से कौन सा एप्लीकेशन आपको ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना, दोस्तों को शेयर करना ना भूले। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।